आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। हर चैप्टर में कुछ नया फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है। जैसे मोशन पढ़ना शुरू किए तो डिस्प्लेसमेंट एक क्वांटिटी डिफाइन की, फिर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करने के बाद एक वेलोसिटी डिफाइन किए, फिर एक्सेलरेशन डिफाइन किए, फिर फोर्स एंड मोशन जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो फोर्स डिफाइन किए, लीनियर मोमेंटम डिफाइन किए, वर्क एनर्जी चैप्टर में काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से हर चैप्टर में हम लोग नया फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करेंगे कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। हम जब ना एक बॉडी को टच करते हैं, बॉडी ए, कोई एक ऑब्जेक्ट है उसको हम टच किए, तो हम कहते हैं कि हमको वो बॉडी हॉट लग रहा है, हॉटर देन माई हैंड। और बॉडी बी को जब टच करते हैं तो कहते हैं कि इट इज कोल्डर देन माई हैंड। ये जो हॉटनेस और कोल्डनेस का जो परसेप्शन है, अगर एक बॉडी सी को हम टच किए तो हम कहे कि वो हमको बॉडी ए से भी ज्यादा गर्म लगा। कितना गर्म, क्या हमको एक नंबर असाइन कर सकते हैं? वही हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग उसको टेम्परेचर नाम से पुकारेंगे, एंड टेम्परेचर एक नया क्वांटिटी हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं। इट इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी, जैसे वेलोसिटी इज अ मेजर ऑफ स्विफ्टनेस, द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग इज अ मेजर ऑफ इट्स स्टिफनेस। ये जो क्वांटिटी हम लोग बनाने जा रहे हैं आज, वो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी, स्प्रिंग कांस्टेंट, मोमेंटम, फोर्स, ये सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का लिस्ट याद कीजिए। मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोग लिस्ट बनाए थे, टाइम एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन वेलोसिटी जब डिफाइन कर रहे थे एज डिस्प्लेसमेंट बट ए टाइम इंटरवल, तो हम लोग वेलोसिटी को किस यूनिट में मेजर करेंगे या कैसे मेजर करेंगे? मेजर ही करना चाह रहे हैं, ये बॉडी गर्म है, कितना गर्म है, कोई एक नंबर हम चाहते हैं कि असाइन कर दिया। एनी नंबर इस बॉडी का गर्मी, कोई नंबर 30 है विथ सम यूनिट, इस बॉडी का गर्मी 40 है विथ सम यूनिट, तो हम समझ जाएंगे इन नंबर्स को देख के, जो नंबर बड़ा होगा वो गर्म होगा ज्यादा। इस बॉडी का मास है 5 किलोग्राम, ये बॉडी का मास है 10 किलोग्राम। तो हम ये सब डिफाइन किए थे मास को जब डिफाइन कर रहे थे कि मास कैसे मेजर करें, तो पहले से एक आर्बिट्ररी हम लोग चुन लिए एक प्लैटिनम और इरिडियम अलॉय का एक सिलेंडर को, कहे कि इसके मास को कहेंगे 1 kg। नाउ दिस इज एन आर्बिट्ररी चॉइस। जब वैसा हम लोग चॉइस कर लिए मास के लिए, अब मास का स्केल फिक्स हो गया। अब किसी भी वस्तु का मास हम जब बोलेंगे 5 kg, तो इट इज टू बी अंडरस्टूड कि हम 5 times दैट 1 kg मीन कर रहे हैं। तो हम आज ना एक स्केल बनाने जा रहे हैं फॉर टेम्परेचर। तो वेलोसिटी जब डिफाइन कर रहे थे तो इसको मेजर करने के लिए क्या यूनिट होगा, इन सब के लिए हम लोग को एक नाम सोचना पड़ा था। मास मेजर करने के लिए एक नाम सोचना पड़ा था किलोग्राम, लेंथ मेजर करने के लिए एक नाम सोचना पड़ा था मीटर। तभी तो हम, अगर एक डंडा है ए और एक डंडा है बी, ए का लंबाई हम लिख रहे हैं 2 meters और बी का लंबाई लिख रहे हैं 2.1 meter, तो जब तक हम ये सब पहले से डिसाइड नहीं करेंगे कि लेंथ को मेजर करने के लिए क्या यूनिट रहेगा, ये एक आर्बिट्ररी नाम है जो कोई सोचा होगा। और 1 meter मतलब कितना लंबा, ये जब तक पहले से डिसाइड नहीं होगा तब तक हम
इन डंडों का लंबाई के लिए एक नंबर असाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। एक बार अगर ये सब डिफाइन हो जाता है, यानी उनको मेजर करने के लिए यूनिट डिसाइड हो जाता है, तब वेलोसिटी जो क्वांटिटी हम डिफाइन किए मोशन के चैप्टर में, नाउ दिस इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड, इनको फंडामेंटल बोलते हैं। अब वेलोसिटी जब भी मेजर करने के लिए कहेंगे किसी बॉडी का, तो अब उसका यूनिट स्वतः आप समझ जाएंगे मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे मीटर्स में, लेंथ है, और टाइम इंटरवल को मेजर करेंगे सेकेंड में। तो अभी जो क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, वो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की लिस्ट में है। और डिफिकल्ट होता है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जब हम लोग यूनिट्स चूज करते हैं, तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने का जरूरत होता है, क्योंकि इस क्वांटिटी को हम लोग किसी चीज से लिंक नहीं कर सकते। जैसे कोई हम मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने के लिए जमीन पे ही बिल्डिंग को नहीं खड़ा कर देते हैं, यहीं से हम लोग ब्रिक्स को नहीं जोड़ना शुरू कर देते हैं। नहीं तो इस बिल्डिंग के वजन से ये जमीन कोलैप्स कर सकता है, दीवार में क्रैक्स आ सकता है, द एंटायर बिल्डिंग में फॉल डाउन। पहले हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे गड्ढा करते हैं, जमीन के नीचे जाते हैं, और उस मिट्टी में भी पतला पतला होल्स ड्रिल करके उसमें पानी डाल करके, और हम लोग जब पानी डालते हैं तो अंदर में मिट्टी के अगर होल्स है तो वो पानी डिसॉल्व करके मिट्टी में, और मिट्टी को थोड़ा लूज कर देता है, मिट्टी सेटल डाउन करता है, फिर उसको हम हैमरिंग करते हैं मिट्टी को, दैट इज कॉल्ड कॉम्पैक्शन। और जब मिट्टी एकदम सॉलिड हो जाता है, द बेस इज नाउ सॉलिड, सॉलिड बेस, तब इस पर हम लोग अपना ब्रिक्स ले करना शुरू करते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं इसको हम लोग बिल्डिंग का। और जब जमीन के लेवल तक आ जाते हैं तो फिर मिट्टी से इसको हम लोग भर देते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा बिल्डिंग तैयार होता है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करना इज जस्ट एज डिफिकल्ट एज लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। इसीलिए जब हम कोई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो उस समय ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। मैटर चाहे किसी भी स्टेट में हो, सॉलिड, लिक्विड या गैस, आपको इमेजिन करना है कि वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का बना है जो रैंडमली मूव कर रहा है अंदर में, एंड दे आर इन अ कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ जिगलिंग। सॉलिड स्टेट में भी मैटर अगर है, अंदर में मॉलिक्यूल्स का बना है ये छोटे छोटे, अब यहां वाला मॉलिक्यूल चलते चलते यहां नहीं जाएगा, अपने ही स्थान पे वो जिगल कर रहा होगा। मैटर जब लिक्विड स्टेट में होगा तब उसका मॉलिक्यूल सब एक स्थान से मूव करके दूसरे स्थान भी जा सकता है, सो द जिगलिंग इज ग्रेटर में भी। और मैटर जब गैशियस स्टेट में होगा, एक कंटेनर है ये जो चारों तरफ से बंद है, साइड वॉल्स, बॉटम, टॉप, मैटर जब सॉलिड स्टेट में होता है तो उसको रखने के लिए कोई बर्तन नहीं चाहिए, कहीं रख दीजिए। मैटर जब लिक्विड स्टेट में होता है तो उसको कंटेन करने के लिए एक कंटेनर का आवश्यकता है, उसका ढक्कन नहीं होना जरूरी है ऊपर से, वी डोंट नीड अ लिड फ्रॉम द टॉप, लेकिन कंटेनर का साइड वॉल्स होना चाहिए और एक बॉटम होना चाहिए, नहीं तो ग्रेविटी के कारण बह जाएगा। और मैटर जब गैशियस स्टेट में है, अब मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स सब बिल्कुल अलग हो चुका है, आपस में कोई बंधन नहीं है, दे आर रैंडमली फ्लाइंग इन ऑल डायरेक्शंस लाइक
टाइनी बिलियर्ड बॉल्स, तो उनको कंटेन करने के लिए अब लिड भी चाहिए, ढक्कन भी चाहिए, साइड वॉल्स, बॉटम एंड ढक्कन चारों तरफ से बंद होना चाहिए। आप हमेशा इमेजिन कीजिएगा जिगलिंग हो रहा है, ये सभी मॉलिक्यूल से काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है। सबका काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है, लेकिन हम जब भी बोलेंगे ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो आप समझ जाइएगा कि हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी मीन कर रहे हैं। हम अपने हाथ से जब किसी बॉडी को टच करते हैं और कहते हैं कि वो बॉडी हमको गर्म लग रहा है, मेरे हाथ के तुलना में वो हमको गर्म लग रहा है, तो हम आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके समझाना चाहते हैं कि ये गर्मी क्यों लगता है। या कोई दूसरे वस्तु को हम टच किए बोर्ड को, तो हम कहें कि हमको ठंडा लग रहा है बोर्ड, मेरे हाथ के तुलना में द बोर्ड इज कोल्डर, तो ये फीलिंग क्यों आता है सो बताना चाहते हैं। ये बॉडी है, इसके अंदर आप मॉलिक्यूल्स का जिगलिंग इमेजिन करते रहिए, द मॉलिक्यूल्स पोजेस सम काइनेटिक एनर्जी, और मेरे हाथ के अंदर का भी मॉलिक्यूल्स सब भी पोजेस करता है कुछ काइनेटिक एनर्जी। द मोमेंट उनको हम कॉन्टैक्ट में लाते हैं, अब उसका मॉलिक्यूल और मेरा मॉलिक्यूल कोलाइड करता है, और कोलिजन याद कीजिए, जब दो बॉडी कोलाइड करता है तो एक शेयरिंग ऑफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी 5 जूल है और दूसरे बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी 3 जूल है, तो टकराने के बाद जिसका एनर्जी कम था उसका बढ़ जाता है, 3 जूल से थोड़ा अधिक हो जाएगा, और जिसके पास ज्यादा एनर्जी था उसका एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगा, यानी एक शेयरिंग होगा ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यही होता है। जैसे ही हम हाथ को कॉन्टैक्ट में लाते हैं उस बॉडी के, अगर उसका मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी एवरेज मेरे हाथ के मॉलिक्यूल्स के एवरेज काइनेटिक एनर्जी से अधिक हो, मान लें, तो जैसे ही हम कॉन्टैक्ट में लाएंगे, अब शेयरिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा फ्रॉम द बॉडी टू माई हैंड। मेरा मॉलिक्यूल सब जो लेसर काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, वो बॉडी के मॉलिक्यूल से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और मेरा मॉलिक्यूल्स का जिगलिंग बढ़ जाएगा। इसी बात को जो मेरा ब्रेन है वो परसीव करता है एज हॉटनेस, यानी हम कहेंगे कि वो बॉडी हमको हॉट लग रहा है ओनली बिकॉज एक फ्लो ऑफ एनर्जी होगा फ्रॉम द बॉडी टू माई हैंड। और अगर मेरे हाथ के तुलना में कोई कोल्डर बॉडी से कॉन्टैक्ट में लाएंगे जिसका मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी मेरे हाथ के मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी से कम, उसका जिगलिंग कम, मेरे हाथ में जिगलिंग ज्यादा, तो अब एनर्जी मेरे शरीर के अंदर से फ्लो करके उस बॉडी में जाएगा, एंड दिस लॉस ऑफ एनर्जी को हमारा ब्रेन परसीव करता है एज कोल्डनेस, यानी हम छूते ही कहेंगे कि वो बॉडी ठंडा है। हम एक्चुअली मीन कर रहे होते हैं कि उस बॉडी का मॉलिक्यूल्स का जिगलिंग मेरे मॉलिक्यूल्स के जिगलिंग से कम है। हमारा सारा उद्देश्य है कि हम एक नंबर असाइन कर सकें, बॉडी ए है, वी नो नाउ कि इसका जो हॉटनेस है या कोल्डनेस, इट इज ऑलवेज रिलेटिव। जब हम किसी बॉडी का मास बोलते हैं 5 kg, तो ये किसी के रिलेटिव बताए हैं, कोई एक बॉडी के मास को 1 kg हम लोग डिफाइन कर दिए हैं, उसके तुलना में ये 5 गुना भारी है। तो उसी प्रकार हम टेम्परेचर के लिए भी जो स्केल बनाने जा रहे हैं, इट विल बी रिलेटिव टू सम प्री डिफाइंड, कोई एक बॉडी होगा जिसके हॉटनेस को हम, जिसके टेम्परेचर को कोई एक आर्बिट्ररी नंबर असाइन कर देंगे, इस बॉडी का टेम्परेचर कह देंगे कि है 1 सम यूनिट। अब हम किसी दूसरे बॉडी बी का टेम्परेचर कहेंगे 10, यानी इससे 10 गुना गर्म है। कोई दूसरा बॉडी होगा सी, जिसका तापमान हम लिखेंगे 20 सम यूनिट। अभी हम लोग डिसाइड नहीं किए हैं यूनिट फॉर टेम्परेचर, मास के लिए जैसे किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर। जब हम इस डंडे का लंबाई कहते हैं कि 0.4 मीटर है,
तो ये किसी ना किसी के रिलेटिव बोल रहे हैं, ये 0.4 मतलब 4/10, तो कोई एक लेंथ को हम लोग 1 मीटर कहें होंगे, और तब जब हम कह रहे हैं कि इसका लेंथ 4/10 ऑफ मीटर है, यानी इस डंडे को अगर हम लोग 10 बराबर हिस्सों में बांट दें तो उसका 4 हिस्सा लेंथ के बराबर है। तो सारा खेल है उस रेफरेंस टेम्परेचर का चॉइस क्या होगा, और तब किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जब बताएंगे तो उसी हम आर्बिट्रेरली चोजन रेफरेंस टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बताएंगे। अभी तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि टेम्परेचर या हॉटनेस या कोल्डनेस का जो कारण है वो कारण है द जिगलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर बॉडी बी हम कहेंगे कभी आज के बाद कि इट इज हॉटर देन बॉडी ए, तो आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर का मॉलिक्यूल्स का जिगलिंग के साथ एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डेफिनेटली ग्रेटर देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी ए। अगर मान लीजिए कि बी हॉट है और ये कोल्ड, मतलब रिलेटिव है, इसके तुलना में ये हॉट है, उसके तुलना में ये कोल्ड। अब इन दोनों को हम अगर कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो शेयरिंग ऑफ एनर्जी होगा एंड इवेंचुअली दोनों के मॉलिक्यूल्स का जिगलिंग सेम हो जाएगा, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगा, और तब हम कहेंगे कि बोथ द बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर, ऐसा बोलेंगे, या बोलेंगे कि द बॉडीज आर नाउ इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दोनों एक ही स्टेटमेंट है। तो मान लीजिए कि बॉडी ए और बॉडी बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बॉडी बी और बॉडी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अभी हम आपके सामने एक प्रकृति का लॉ बताने जा रहे हैं। हर चैप्टर में लॉज पढ़ते हैं, इस चैप्टर में भी हम लोग लॉ पढ़ेंगे, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और एक लॉ अभी बताने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। असल में थर्मोडायनेमिक्स बहुत पुराना टॉपिक है, बहुत पुराने समय से उस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बहुत पहले से पढ़ाई चल रहा है। जैसे क्वांटम फिजिक्स, रिलेटिविटी, ये सब नया है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स बहुत पहले से इंसान पढ़ रहा है। तो पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बन गया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बन गया, तब किसी वैज्ञानिक को रियलाइज हुआ कि एक बहुत ही फंडामेंटल बात छूट गया है बोला, तो चूंकि वो बाद में आया और तब तक फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ काफी पॉपुलर हो चुका था, सभी किताबों में छप चुका था, और ऐसा लगा सबको कि ये लॉ फर्स्ट और सेकेंड के पहले आना चाहिए था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट रिमेंबर इट केम आफ्टर बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज, जो अभी हम लोग नहीं जानते हैं, पढ़ेंगे। द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज दिस, इफ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी एंड बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी सी। अब हम थर्मल इक्विलिब्रियम शब्द से परिचित हैं, देन ए एंड सी विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इफ टू बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम थर्मल विथ अ थर्ड बॉडी, देन दे विल बी इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ए और सी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ए और सी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यह बड़ा ऑब्वियस सा स्टेटमेंट लगता है कि हाँ भाई, इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, अगर तो निश्चित रूप से इन दोनों का टेम्परेचर भी सेम होगा।
बट इट इज नॉट सो ऑब्वियस. सोच के देखिए, हम आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहे हैं ऐसे ही डे टू डे लाइफ में. ए को दोस्ती है बी से, सी को भी दोस्ती है बी से, मान लीजिए दोनों मित्र हैं. पर जरूरी नहीं है कि ए और सी भी मित्र हों, हो सकता है ए और सी में दुश्मनी हो. यानी ये सामान्य सा लगने वाला बात एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण है. इसको मेंशन करना बहुत आवश्यक था और इसको हमेशा के लिए समझ लीजिए. कोई भी दो बॉडी अगर तीसरे किसी बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम में है, यानी बॉडी ए को हम बी से अभी अगर कॉन्टैक्ट कराएं, तो देयर विल बी नो हीट एक्सचेंज बिटवीन देम, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. और उसी प्रकार अगर हम बी को सी से कॉन्टैक्ट कराएं, तो देयर विल बी डेफिनेटली बी नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. तो क्या हम निश्चित रूप से कह सकते हैं ये बात कि ए और सी को जब टच कराएंगे तो उनके बीच में भी कोई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होगा? यस वी कैन. यही हमारा जीरोथ लॉ बोलता है. इफ ए एंड बी हैड एट द सेम टेम्परेचर्स एंड इफ बी एंड सी आर एट द सेम टेम्परेचर्स, देन ए एंड सी आर एट सेम टेम्परेचर. बहुत सारा प्रॉपर्टीज है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज. जैसे एक डंडे का लंबाई, मेटल का रॉड है ऑफ सम लेंथ. अब जब आप इसको गर्म करना शुरू करेंगे, कैसे गर्म करेंगे? किसी हॉट बॉडी से कॉन्टैक्ट में इसको ले आना है, हॉटर, इसके तुलना में हॉटर. तो देखिए, हम कैंडल के फ्लेम से कॉन्टैक्ट में लाए हैं. इस फ्लेम्स में भी मॉलिक्यूल्स है, यहां एयर मॉलिक्यूल्स विच आर मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी विच इज ग्रेटर देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रॉड. तो जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा, एक शेयरिंग होगा, और इनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो वो एनर्जी लूज करेगा और रॉड का मॉलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. धीरे धीरे ये डंडा गर्म होने लगेगा. अब गर्म होने लगेगा का मतलब हम समझते हैं उसके मॉलिक्यूल्स का जिगलिंग बढ़ने लगेगा. जब इसका जैसे जैसे ये गर्म होता है, मॉलिक्यूल्स का जिगलिंग बढ़ता है, वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स अब एक दूसरे को पुश करना शुरू करता है एंड दे वांट टू ऑक्यूपाई अ लार्जर स्पेस. अब ये डंडे का आकार फूल जाएगा, लंबाई चौड़ाई गहराई ऑल द डायमेंशंस विल इंक्रीज. इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन. यानी अगर पीक टेम्परेचर पे ये डंडा था, सम टेम्परेचर, अभी तो नहीं जानते हैं, टेम्परेचर के लिए कोई नंबर नहीं डिसाइड हुआ है, लेंथ के लिए हो गया है. तो अगर सम लेंथ था इसका एट सम टेम्परेचर, अब टेम्परेचर अगर इसका बढ़ जाता है तो हम एक्सपेरिमेंट से देखे हैं कि उसका लंबाई भी बढ़ जाता है. इसको एक अलग चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, थर्मल एक्सपेंशन. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज जो तापमान पे डिपेंड करता है. ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस विच डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. जिसमें एक प्रॉपर्टी अभी आपको हम डिस्कस किए, उसको थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं. लिक्विड्स के साथ भी ये ट्रू है. एक कंटेनर में लिक्विड रख दीजिए एकदम ब्रिम तक लबालब, और इसको गर्म करना शुरू कीजिए, तो जैसे जैसे ये एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, हीट एक्सचेंज होगा. केवल एक हॉटर बॉडी से कॉन्टैक्ट मिलाना है गर्म करने के लिए, ठंडा करना है तो कोल्डर बॉडी से कॉन्टैक्ट मिलाइए. तो ये धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स का जिगलिंग बढ़ेगा और ये फूलने लगेगा. नाउ द लिक्विड विल वॉन्ट टू ऑक्यूपाई अ लार्जर वॉल्यूम और ओवरफ्लो करके गिरने लगेगा. हम लोग किचन में जाएं तो दिख जाएगा, दूध उबलता है जैसे तो गिर जाता है बर्तन से बाहर. एक पीस ऑफ वायर को कनेक्ट कर दीजिए
एक बैटरी से, तो वी नो कि इसमें करंट फ्लो करने लगता है। अगर आप एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दें तो उस नीडल का डिफ्लेक्शन को देख करके समझ जा सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स है जो मूव करने लगता है। हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, यू नीड पोटेंशियल डिफरेंस टू पुश द चार्ज पार्टिकल्स। और ये वाला जो तार का टुकड़ा है ये रेजिस्ट करता है, अंदर में मॉलिक्यूल सब का जिगलिंग हो रहा है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इस तार के अंदर में है ये बैटरी उनको पुश करता है इस दिशा में। हम उनके विपरीत दिशा में अपना करंट का डायरेक्शन दिखाते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है ये बैटरी थ्रू दी वायर, तो उसको कोलाइड करना पड़ता है। जो मॉलिक्यूल सब इस तार के अंदर में अपने जगह पे जिगलिंग कर रहा है उनके साथ कोलाइड करता हुआ चार्ज पार्टिकल को मूव करना पड़ता है, उसी को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। वो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है इसका रेजिस्टेंस। आप यहां पे करंट मेजर कर लीजिए कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब आप इसको गर्म करना शुरू कीजिए एक कैंडल से, जैसे जैसे गर्म होगा अब कम करंट फ्लो करता है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अब इस बैटरी को मुश्किल हो रहा है चार्ज पार्टिकल्स को पुश करने में। तो एक दूसरा प्रॉपर्टी हम अभी आपके सामने डिस्कस किए, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ पीस ऑफ वायर, वो भी एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, तापमान पे डिपेंड करता है। एक कैपिलरी ट्यूब डिप कर दीजिए एक वेटिंग फ्लूइड में, तो लिक्विड उसमें राइज करता है ड्यू टू द सरफेस टेंशन। यहां पे जो लिक्विड का सरफेस है जिसको मेनिस्कस बोलते हैं वो क्लिंग कर जाता है विद द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, और अपने साथ साथ एक सर्टन हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम को वो टांग देता है अगेंस्ट ग्रेविटी। कितना हाइट तक लिक्विड राइज करता है इस कैपिलरी ट्यूब में, विच इज इक्वल टू 2s cos थीटा बाई रो जी आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड s इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस टेंशन, यानी सरफेस टेंशन जितना अधिक होगा उतना ऊंचाई तक लिक्विड राइज करता है। आप इस लिक्विड को गर्म करना शुरू कर दीजिए कैंडल से, जैसे जैसे लिक्विड गर्म होता है उसके सरफेस पर का जो मॉलिक्यूल्स जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो जिगलिंग पड़ता है, और उनके बीच में जो बंधन है उसी बंधन के कारण ये सरफेस टेंशन होता है, तो वो बंधन ढीला पड़ने लगता है और एस का वैल्यू घटने लगता है। अब लिक्विड उस ऊंचाई तक नहीं राइज करेगा, थोड़ा लेसर हाइट तक राइज करेगा। एक और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी आपके सामने हम रखे हैं, द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। देर आर मेनी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, ये डिस्कस करना अभी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग किसी बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करना है। देर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ, पहले कि हम टेम्परेचर के लिए कोई एक रेफरेंस पहले डिसाइड करेंगे, जैसे 1 kg मास, 1 meter लेंथ, 1 second टाइम इंटरवल, 1 ampere करंट, उसी तरह से कोई एक रेफरेंस टेम्परेचर, सम नंबर एंड सम यूनिट, ये पहला काम, ताकि किसी भी अन्य बॉडी का टेम्परेचर बताना हो तो उसी के तुलना में बताएंगे, जैसा कि करते आए हर फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है टू क्रिएट एन इंस्ट्रूमेंट, चूजिंग अ रेफरेंस, ये पहला काम, और दूसरा क्रिएटिंग एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना इन सब को मेजर करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसको फिजिकल बैलेंस बोलते हैं, तराजू। इसको मेजर करने के लिए एक स्केल चाहिए, नंबर्स मार्क्ड होता है,
टाइम को मेजर करने के लिए घड़ी चाहिए, इसको मेजर करने के लिए एक दूसरा डिवाइस है, इसको एमीटर बोलते हैं। तो हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कोई एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट बनाना है हमको, उसको थर्मोमीटर बोलते हैं, थर्मोमीटर। सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ, एक डिजाइनिंग अ थर्मोमीटर, एक चूजिंग अ रेफरेंस। अब जो थर्मोमीटर डिजाइन करेंगे तो वो मेरा जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो कोई ना कोई थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पोजेस करना चाहिए। ये जो थर्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे कि जैसे बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी, हम थर्मामीटर को जब इसके साथ कॉन्टैक्ट में लाएंगे तभी हम जानेंगे कि वो कितना गर्म है। तो हम अपने इंस्ट्रूमेंट को इसके साथ कॉन्टैक्ट में लाएंगे, एक शेयरिंग होगा। जब ये इंस्ट्रूमेंट उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेगा तो कोई ना कोई रीडिंग हमको इससे मिल जाएगा। तो इसका कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी होना चाहिए जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि अब इसी थर्मामीटर को जब हम इसके साथ कॉन्टैक्ट में लाएंगे और अगर ये बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर पे है तो ये थर्मामीटर का रीडिंग डिफरेंट तभी ना आएगा जब इसका कोई एक प्रॉपर्टी हो जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारा एक नॉर्मल मेटल का स्केल है, यही मेरा थर्मामीटर है। इस स्केल को जब हम इस बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो एक सर्टेन लेंथ ये शो करेगा से L1। जब इसके साथ कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो ये डिफरेंट लेंथ शो करेगा L2। इसी को देख करके हम उनके तापमान में संबंध ढूंढ पाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी था ये डिस्कस करना अबाउट द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। देखिए कितना कठिन होता है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने में, समझने में भी और पढ़ाने में भी। चलिए लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन द फर्स्ट टास्क, चूजिंग अ रेफरेंस, चूजिंग अ रेफरेंस टेम्परेचर। मैटर का जो तीन स्टेट है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, इनको जरा ध्यान से देखिए। हम लोग फेज भी बोलते हैं, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एंड गैसियस फेज, और स्टेट भी बोलते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। हम सब परिचित हैं इन तीनों स्टेट से, बट फिर भी एक बार देख लीजिए। मैटर जब सॉलिड स्टेट में है, मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, रिजिड है। अगर हम इसके फेज को बदल करके सॉलिड से लिक्विड ले जाना चाहते हैं तो हमको सिर्फ क्या करना होता है, हम बस इसको हीट करना शुरू करें। जैसे जैसे ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा मॉलिक्यूल सब, उनका जिगलिंग बढ़ने लगता है और उनके बीच का बंधन ढीला होने लगता है, और तब धीरे 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 एक समय आता है जब ये बहने लगता है। अब आपको बर्तन में रखना होगा इसको, दैट इज लिक्विड फेज। सॉलिड फेज के तुलना में लिक्विड फेज में जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो दूरी है वो लगभग बराबर है, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं हुआ है मॉलिक्यूल्स, लेकिन हाँ उनके बीच का जो बॉन्ड है वो थोड़ा लूजन हो गया है। नाउ इट कैन फ्लो इजीली, ये है मेरा लिक्विड स्टेट। अगर हम इसको और गर्म करें तो धीरे धीरे ये गैसियस फेज में चला जाएगा। अब ढक्कन बंद करना होगा, अब बंधन बिल्कुल टूट जाता है और एक एक मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल अलग होकर के इस कंटेनर में रैंडमली मूव करता है इन ऑल डायरेक्शंस, लाइक टाइनी बिलियर्ड बॉल्स, दे कोलाइड विद दी वॉल्स। इन तीनों फेज में जो मुख्य अंतर है वो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग। इस फेज में जब मैटर है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग इज लार्जेस्ट। इन कंपैरिजन इस केस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग इज लेसर, और इस केस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग इज येट लेसर। तो देखिए हम अगर फेस बदलना चाहते हैं
गैशियस फेज से लिक्विड फेज, लिक्विड से सॉलिड, या सॉलिड से लिक्विड से गैस, दो चीज है जिससे कि हम फेज को कंट्रोल करते हैं, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। कैसे? देखिए, अभी इस गैशियस फेज को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम इस गैस को अगर स्क्वीज करना शुरू करें, इसके वॉल्स ऑफ द कंटेनर को नजदीक लाना शुरू करें, तो मॉलिक्यूल्स को खाली निकट ही ना लाना है। अगर मॉलिक्यूल्स को निकट ले आए, इतना निकट कि उनके बीच में फिर से बॉन्ड बन गया, तो वो लिक्विड फेज में चला जाएगा, और अगर और स्क्वीज कर दिए तो वो सॉलिड फेज में चला जाएगा। या हम टेम्परेचर से भी ऐसा कर सकते हैं, इन मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बहुत लार्ज हो चुका है, हम इसको किसी ठंडे ऑब्जेक्ट से कॉन्टैक्ट में लाएंगे, मे बी इसके चारों तरफ हम पानी का पाइप लपेट देंगे, इधर से कोल्ड वाटर एंटर करेगा, उसके बाहर में लपेटा हुआ है पाइप, और इधर से पानी निकलेगा, तो जब वो कॉन्टैक्ट में आएगा पानी के साथ, उसका अंदर में मॉलिक्यूल सब दीवार से कॉन्टैक्ट में आएगा, दीवार पानी के मॉलिक्यूल से, तो शेयरिंग होगा, धीरे धीरे इसका मॉलिक्यूल्स अपना एनर्जी लूज करेगा। इधर पानी का मॉलिक्यूल्स जो इधर निकलेगा ना, वो यहां से कोल्ड वाटर एंटर करेगा, इधर से हॉट वाटर निकलेगा, और धीरे धीरे इसका मॉलिक्यूल्स का जिगलिंग कम होने लगेगा, और ये सब निकट आने लगेगा, और एक पर्टिकुलर समय पर वो कम होते 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 इवेंचुअली वो लिक्विड स्टेट में कॉन्डेंस कर जाएगा। और अगर और ठंडा करें तो ये सब मॉलिक्यूल्स का जिगलिंग और कम होगा, और निकट आएगा, एंड इवेंचुअली सॉलिड स्टेट में ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यहां आप ये सीखे हैं कि गैशियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में लाना हो या लिक्विड से सॉलिड स्टेट में, आपको करना यही ना है कि मॉलिक्यूल्स को निकट लाना है, जो दो तरीका से आप अचीव कर सकते हैं। या तो आप प्रेशर को इंक्रीज कर दीजिए, दबाव बढ़ा दीजिए, या टेम्परेचर को डिक्रीज कर दीजिए। और यह समझना जरूरी है कि टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या हो रहा है, वो जिगलिंग कम हो रहा है, और धीरे धीरे मॉलिक्यूल सब स्वतः निकट आ रहा है। तो प्रेशर को इंक्रीज कीजिए, अगर आप इधर से इधर आना चाहते हैं तो इंक्रीज प्रेशर, एंड या और डिक्रीज टेम्परेचर, और इधर से उधर ले जाना चाहते हैं तो प्रेशर ढीला छोड़िए, मॉलिक्यूल्स को दूर जाने दीजिए, और तापमान बढ़ाइए, इंक्रीज द टेम्परेचर। अब इसको हम चारों तरफ से कन्फाइन कर देंगे, यानी इसके हम आकार को बढ़ने ही नहीं दें, अब हम गर्म करें, तो हम प्रेशर बढ़ाए हुए हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, ये सब ढीला होना चाहता है, पर आप ढीला होने नहीं दे रहे, थोड़ा ढीला होने दीजिए, तब ना ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाएगा। यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन से हम लोग फेस चेंज करते हैं। जितना भी सब्सटेंस हम लोग को प्रकृति में मालूम है पृथ्वी पर, उन सब के साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, एक सर्टन अमाउंट ऑफ प्रेशर और सर्टन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पे हम एक्सपेरिमेंट कर करके देखे हैं कि वो किस फेज में रहता है एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड अ पर्टिकुलर प्रेशर, और हर वस्तु का एक डायग्राम बनाए हैं हम लोग, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम, उसको हम लोग फेज डायग्राम बोलते हैं। यहां हम एक सब्सटेंस का फेज डायग्राम दिखाए हैं, वाटर का, वाटर फेज डायग्राम। प्रेशर एटमॉस्फेयर में मेजर किया गया है और टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में। अभी तो हम जानते ही नहीं है टेम्परेचर का कोई यूनिट, पर चलिए थोड़ी देर के लिए इन संख्याओं का महत्व हम नहीं जानते हैं। जब हम बोलेंगे 100 टेम्परेचर है किसी बॉडी का, तो आप समझे गए नहीं कि 100 का मतलब क्या है। अब 1 एटमॉस्फेयर का मतलब जानते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पानी को अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर टेम्परेचर कॉम्बिनेशंस पे रखें, इस तरह का एक डायग्राम हम लोग को मिलता है,
जैसे यहां पे इस चित्र में कोई एक पॉइंट ले लीजिए, तो ये पॉइंट करस्पॉन्ड करता है टू सम टेम्परेचर एंड सम प्रेशर. एवरी पॉइंट इन दिस P वर्सेस T डायग्राम इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ नंबर्स P1, P1, सम टेम्परेचर एंड सम प्रेशर. तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखने पे पानी को और उतना दबाव, एक कंटेनर में रख लीजिए पानी, इसके ऊपर एयर है, आप यहां से छेद करके और एयर पुश कर सकते हैं यूजिंग अ पंप, तो वो इस पानी के सरफेस पे एक प्रेशर क्रिएट करेगा, दबेगा पानी, हम उसी को बोल रहे हैं प्रेशर. और एक थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं जो अभी बनाए ही नहीं है, बनाएंगे. तो वी कैन मेजर द प्रेशर एंड वी कैन मेजर द टेम्परेचर, और हम देखेंगे कि पानी उस समय किस फेज में है, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस, और ये ग्राफ हम लोग तैयार करेंगे. तो ये तीन रीजन में बटा है, ये यहां एक बाउंड्री है, एक बाउंड्री यहां है और एक बाउंड्री यहां है. यहां सॉलिड लिखा है, यहां लिक्विड और यहां गैस, यानी कि इस रीजन में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, दैट टेम्परेचर एंड दिस प्रेशर पे पानी अपने गैशियस फेज में रहता है, वाटर वेपर. इस रीजन में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, एनी पॉइंट, उतना प्रेशर और उतना टेम्परेचर पे पानी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और इस रीजन में सॉलिड स्टेट. ये जो बाउंड्री है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनको हम लोग फेज बाउंड्रीज बोलते हैं. देयर आर थ्री बाउंड्रीज. ये बाउंड्री सेपरेट करता है सॉलिड लिक्विड फेज को. इस पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर पे अगर आप पानी को रखते हैं तो वो सॉलिड में रहेगा कि लिक्विड में रहेगा. तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर पे जो भी पॉइंट इस बाउंड्री पे है, उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पे पानी को एग्जिस्ट करता है इन इक्विलिब्रियम इन बोथ दी स्टेट्स, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड. मतलब कि अगर हम लोग एक बर्तन में सॉलिड आइस भी रख दें और कुछ लिक्विड पानी भी बंद कर दें, ताकि हम जो प्रेशर चाहते हैं क्रिएट करना वो हम क्रिएट कर सकते हैं बाय पंपिंग इन मोर एयर या सकिंग आउट एयर. तो अगर यहां पे कोई पॉइंट है जो कि एक सर्टेन प्रेशर दिखा रहा है कुछ 0.8 एटमॉस्फेयर, और यहां पे कोई टेम्परेचर दिखा रहा है 0.009, तो अगर ये सिस्टम इस वक्त उस प्रेशर पे है और उस टेम्परेचर पे है, तो इस समय अंदर में आप जितना मात्रा में आइस रखे थे और जितना मात्रा में पानी, वक्त बीतता जाएगा लेकिन पानी का मात्रा और आइस का मात्रा मेंटेन रहेगा, चेंज नहीं करेगा. मतलब ये समझना आवश्यक है कि अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट से थोड़ा सा भी हाई टेम्परेचर पे हम चले गए, प्रेशर मेंटेन किए लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दे, तो अब पानी सिर्फ लिक्विड स्टेट में रह सकता है. देखिएगा कि धीरे धीरे बर्फ सारा पिघल के और कंटेनर के अंदर सिर्फ पानी होगा, और जरा सा भी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से थोड़ा लेसर टेम्परेचर कर दिए, कीपिंग द प्रेशर कॉन्स्टेंट, तो अब पानी सिर्फ सॉलिड स्टेट में रह सकता है. देखिएगा कि धीरे धीरे ये सारा पानी बर्फ बन गया. पर इस पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर पे उन दोनों का मात्रा कॉन्स्टेंट रहेगा, समय के साथ नहीं बदलेगा. एक्चुअली जो ये इक्विलिब्रियम है वो डायनेमिक स्वभाव का है, मतलब कि कंटिन्यूअसली वाटर मॉलिक्यूल जो इसके सरफेस से टकरा रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है. कोई मॉलिक्यूल इस बर्फ के सरफेस से टकरा करके हो सकता है कि बर्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाए, अपना काइनेटिक एनर्जी लूज करे, सॉलिड बन जाए. अब कुछ कहीं पे मॉलिक्यूल पानी बन रहा होगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन
जिस दर से ये पानी का मॉलिक्यूल्स बर्फ में कन्वर्ट हो रहा होगा, उतनी ही दर से बर्फ का मॉलिक्यूल्स पानी में कन्वर्ट हो रहा होगा। यानी इक्विलिब्रियम है, लेकिन वो एक्टिविटी चल रहा है अंदर में, सब कुछ शांत नहीं हुआ है। जरा सा भी उससे आप टेम्परेचर बढ़ाए, मेंटेनिंग दैट प्रेशर, तो अब आइस से लिक्विड बनने का जो दर होगा वो तेज हो जाएगा इन कंपैरिजन टू लिक्विड से आइस बनने वाला रेट। और धीरे धीरे वक्त के साथ पूरा आइस लिक्विड स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो दीज बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड दैट पर्टिकुलर प्रेशर पे वो लिक्विड और गैस दो फेज में को एग्जिस्ट करेगा। यानी कि बर्तन में कुछ लिक्विड और कुछ वाटर वेपर, अब कंटिन्यूअसली इसमें से मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके सरफेस से अब पानी में कन्वर्ट हो रहा होगा। अब कुछ पानी का मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होकर के गैशियस फेज में कन्वर्ट हो रहा होगा, बट द रेट इज सेम। तो वक्त बीतता जाएगा और जो यहां पे वाटर वेपर जमा है और जो पानी जमा है उनका मात्रा नहीं बदलेगा। इसमें से कोई भी स्टेट पे अगर पानी को रखिएगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो यहां लिखे हैं 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0.006 एटमॉस्फेयर। इस पर्टिकुलर प्रेशर और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पानी अपने तीनों फेज में को एग्जिस्ट करता है। यानी कंटेनर में कुछ सॉलिड आइस भी है, लिक्विड भी है और कुछ वाटर वेपर भी है। अब प्रेशर यहां पे 0.006 एटमॉस्फेयर के बराबर होना चाहिए और तापमान उतना, तब अब तीनों फेज एक साथ एग्जिस्ट करता है। और समय के साथ ना वाटर वेपर का मात्रा बदलता है, ना आइस का, ना लिक्विड का, जबकि कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फेज चेंज। लेकिन ये कभी नहीं भूलिएगा कि जो इक्विलिब्रियम में जब बोलते भी हैं तो इट इज ऑलवेज डायनेमिक। यानी फेज चेंजेस हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से वेपर, वेपर से आइस, आइस से वाटर, लेकिन द रेट इज सेम। वो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। अभी ये वाटर का है, आप आयरन का भी बना सकते हैं ऐसा फेस डायग्राम। आयरन भी सॉलिड स्टेट गर्म करते जाइए, लिक्विड स्टेट और गर्म कर दीजिए, आयरन का वेपर उड़ने लगेगा हवा में, तो हम लोग आयरन का भी फेस डायग्राम बनाए हुए हैं। अभी हम सिर्फ यहां वाटर का दिखाए हैं किसी कारण से। दो पर्टिकुलर स्टेट्स है वाटर का, एक आइस पॉइंट और एक स्टीम पॉइंट, जो जानना अभी जरूरी है। हम आइस पॉइंट बोलते हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है जिसको आइस पॉइंट बोलते हैं, व्हेन आइस एंड वाटर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करे ऐसा तो बहुत टेम्परेचर्स है। एवरी पॉइंट ऑन दिस बाउंड्री के करस्पॉन्डिंग एक टेम्परेचर है, तो किस पर्टिकुलर पॉइंट को बोल रहे हैं? वहां लिखे हैं एयर सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर एंड वन एटमोस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि एक बर्तन में पानी है और बर्फ है, और यहां पे एयर भी है और कुछ वाटर वेपर अपने आप एवेपोरेट करके, यहां हवा में भी पानी का छोटा छोटा मॉलिक्यूल सब है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, एयर, बीच बीच में जो जगह है H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल उसी में आकर के समाया हुआ है, यहां है वाटर वेपर। तो एयर है मिक्स्ड विथ वाटर वेपर, अब उनका प्रेशर कलेक्टिवली वन एटमोस्फियर है। अब ये सैचुरेटेड है, यानी कि अब इसमें वाटर वेपर के हटने के लिए जगह नहीं है। जितना एयर संभाल सकता था वाटर वेपर, जितना जगह था उसके पास, अब एक भी और वाटर वेपर इसमें से एवेपोरेट करके वाटर मॉलिक्यूल
घुसना चाहेगा हवा में तो घुसेगा, तुरंत एक वाटर मॉलिक्यूल वापस पानी में समा जाएगा, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड। तो यहां एयर है सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर एट वन एटमोस्फियर। इस समय आइस और पानी अगर इक्विलिब्रियम में है, हम लोग उस स्टेट को कहते हैं आइस पॉइंट। अगर वन एटमोस्फेरिक प्रेशर पे पानी और बर्फ इक्विलिब्रियम में हो तो इस अवस्था को कहते हैं आइस पॉइंट। बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसी अवस्था को कहने जा रहे हैं जीरो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे है ये अरेंजमेंट, ऐसा बोलेंगे। यानी कि कोई भी अगर वस्तु को हम इसके साथ कॉन्टैक्ट में लाते हैं इस बर्तन के साथ और अगर हीट एक्सचेंज नहीं होता है, इसका मतलब है कि ये बॉडी का टेम्परेचर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड कहेंगे। ये हमारा रेफरेंस बनने जा रहा है, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसी को कहेंगे। और एक महत्वपूर्ण स्टेट है वाटर का, द स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट को लिखे है व्हेन वाटर एंड स्टीम एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। एक कंटेनर में रख दीजिए पानी और ऊपर में स्टीम, इसमें हवा नहीं है, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स जो एवेपोरेट करके, नो एयर, और प्रेशर लेकिन वन एटमोस्फियर है और दोनों इक्विलिब्रियम में है। इस पर्टिकुलर प्रेशर पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, हम उसको एक नाम रख दिए हैं 100 डिग्री सी। हमारा रेफरेंस अब सेलेक्ट हो गया है, हम पानी का जो आइस पॉइंट है उसको कहेंगे 0 डिग्री सी और पानी का जो स्टीम पॉइंट है इसको सामान्य रूप में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कहा जाता है और इसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहा जाता है। यानी कि खुला बर्तन ले लीजिए, वन एटमोस्फियर प्रेशर, अब पानी को गर्म करना शुरू कर दीजिए, स्टार्ट हीटिंग। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम कहते हैं कि यह पानी उबलने लगा, वी कैन सी द बॉइलिंग, एनर्जी एब्जॉर्ब करता जाएगा, मॉलिक्यूल सब का जिगलिंग बढ़ता जाएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद दे स्टार्ट बॉइलिंग। हाँ, अगर आप इसी को ढक्कन बंद कर दीजिएगा तो यहां से वेपोरेट कर करके यहां जमा होने लगेगा मॉलिक्यूल्स। जब यहां का प्रेशर वन एटमोस्फियर हो और अब स्टेडी स्टेट आ चुका हो, यानी कि इसमें से जितना एवेपोरेशन हो रहा है उतना ही समा रहा है पानी में, मात्रा पानी का अब नहीं बदल रहा है, तो समझिए कि उस स्टेट को हम कहेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उससे जरा सा भी पहले एक अवस्था होगा 90 मान लीजिए, तो उस समय जिस दर से पानी इवेपोरेट कर रहा होगा, जिस दर से ये वापस पानी में समा रहा होगा, दोनों बराबर नहीं होगा, इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा कंडेंसेशन के रेट के तुलना में, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, डेंस होना। गैसीय स्टेट से लिक्विड स्टेट में जब मैटर जाएगा तो डेंस होगा, घना, इसलिए इसको कंडेंसेशन, आइस का वेपोरेशन। और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर से थोड़ा भी अधिक टेम्परेचर पे होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन की तुलना में, और बिल्कुल इसी टेम्परेचर पे दोनों बैलेंस्ड होगा, द रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन। जिस समय प्रेशर यहां पे वन एटमोस्फियर हो जाएगा और जिस समय दोनों रेट सेम हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे 100 डिग्री सी। सरल शब्दों में बॉइलिंग पॉइंट, पानी को गर्म करते 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 जब वो अब उबलना शुरू हो जाए उसी तापमान को हम लोग 100 बोल रहे हैं। आर्बिट्ररी है ये चॉइस। और पानी अगर फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा होते 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 अचानक से एक समय जमना शुरू करता है, उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। अब हमको थर्मामीटर बनाना है। जो एक पॉपुलर थर्मामीटर हम बनाए हैं, मरकरी बल्ब थर्मामीटर, ग्लास का बना हुआ एक सॉलिड सिलिंड्रिकल शेप का एक रॉड है और नीचे में एक इस तरह का एक्सटेंशन रहता है, उसके अंदर मरकरी डाला रहता है, काला दिखता है वो, और इसके अंदर में एकदम थिन, बाल जितना थिन एक ट्यूब होता है, चारों तरफ सॉलिड होता है, बीच में जगह होता है
अब इस मरकरी को जब हम गर्म करना शुरू करेंगे, किसी हॉट ऑब्जेक्ट से कॉन्टैक्ट में लाते हैं, ये मरकरी फूलना शुरू करेगा। मरकरी का जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, यहां पे थर्मल एक्सपेंशन हर वस्तु का है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, गर्म कीजिए वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल्स का जिगलिंग बढ़ता है एंड द मॉलिक्यूल्स नाउ वांट टू ऑक्यूपाई अ लार्जर स्पेस। तो इसमें मरकरी राइज करने लगेगा। जितना हॉट बॉडी से कॉन्टैक्ट में लाइएगा उतना अधिक राइज करेगा, उतना अधिक एक्सपेंशन होगा। अब इस थर्मामीटर को हम कॉन्टैक्ट में लाएंगे, वही एक कंटेनर में बर्फ रखा होगा और पानी ओपन टू द एटमॉस्फेयर। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, बर्फ का मात्रा और पानी का मात्रा वक्त के साथ नहीं बदल रहा है, तो हम इस समय इसको हम लोग कहेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे है। ये यूनिट होगा टेम्परेचर मेजर करने का। इसको हम लोग इस थर्मामीटर को इसके साथ कॉन्टैक्ट में लाएंगे। मरकरी जहां तक राइज करेगा उसके बगल में 0 लिख देंगे। फिर इसी थर्मामीटर को हम एक पानी और स्टीम इक्विलिब्रियम में है और यहां का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, अब इसके साथ हम कॉन्टैक्ट में लाएंगे इस बर्तन के साथ। हम लोग देखिए 0th लॉ के आधार पर बना रहे हैं अपना थर्मोमीटर, कि अगर दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया तो दोनों का टेम्परेचर सेम है। और अब हम इसी थर्मामीटर को किसी बॉडी के साथ टच कराते हैं और अगर जितना हाइट तक इस केस में मरकरी राइज किया है उसको टच कराने पे अगर मरकरी का हाइट उतना ही रह जाता है, नो फर्दर राइज या नो ड्रॉप, तो हम निष्कर्ष निकालेंगे कि उस बॉडी का टेम्परेचर उतना ही है जितना कि इसका टेम्परेचर। दैट वॉज 0th लॉ। तो हमारे टेम्परेचर का जो डेफिनेशन है वो कंप्लीटली बेस्ड है ऑन द 0th लॉ। इसी थर्मामीटर को जब हम इसके साथ कॉन्टैक्ट में लाएंगे, मरकरी जहां तक राइज करेगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, वहां मार्क कर देंगे 100 स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो दूरी है उसको हम 100 इक्वल डिविजन में बांट देंगे और कुछ 1, 2, 3, 4 लिख देंगे। हमारा थर्मामीटर तैयार हो गया। अब आपको जिस बॉडी का टेम्परेचर चाहिए, इस थर्मामीटर के बल्ब को, मरकरी बल्ब को उस बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में लाइए। लेट द मरकरी राइज, अटेन इक्विलिब्रियम। अब बस आप बगल में वो नंबर देख के बोलेंगे वही टेम्परेचर, यही डिसाइड। एक और पॉपुलर स्केल बना, द डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। सी स्टैंड्स फॉर सेल्सियस या सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, एंड एफ स्टैंड्स फॉर फ़ारेनहाइट। तो दो पॉपुलर स्केल्स बना। इस स्केल में जो आइस पॉइंट है उसका चॉइस बड़ा विचित्र सा नंबर है 32। याद रखिएगा कि दीज नंबर्स का जो चॉइस है दैट इज आर्बिट्ररी। आप अपना कोई थर्मामीटर बना सकते, अपना कोई एक आइस पॉइंट के करस्पोंडिंग कोई नंबर मान लेते कि आइस पॉइंट में कोई बॉडी है तो उसका टेम्परेचर हम कहेंगे 10 डिग्री, सम नेम जो भी आपका नाम है, और स्टीम पॉइंट के लिए कोई एक आर्बिट्ररी नंबर चुन सकते। आइस पॉइंट एक स्टेट है, उस स्टेट पे कोई भी बॉडी होगा तो उसके तापमान को हम 0 कहेंगे। जस्ट एन आर्बिट्ररी चॉइस। तो एक और पॉपुलर चॉइस था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि इस बॉडी का टेम्परेचर अगर कोई सेंटीग्रेड दुनिया का व्यक्ति हो, वैज्ञानिक जो इस स्केल को फॉलो करता हो, तो वो इसका टेम्परेचर को 0°C कह रहा है। अब हम लोग समझ रहे हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है। वो पानी के आइस पॉइंट को मीन कर रहा है। और इसी बॉडी के टेम्परेचर को अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल को जो यूज करता हो वैसे किसी वैज्ञानिक से पूछेंगे तो वो इसी के टेम्परेचर को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेगा। दोनों एक ही बात बोल रहा है। जैसे किसी वस्तु का मास हम 2.3 किलोग्राम बोल रहे हैं और कोई CGS यूनिट्स इस्तेमाल करने वाला कोई वैज्ञानिक हो तो वो उसी वस्तु के मास को 2300 ग्राम्स बोलेगा। अब किसी वस्तु से हम इसको कॉन्टैक्ट में लाए, मरकरी राइज किया, करते करते यहां तक चला गया। अब कितना टेम्परेचर हुआ, तो
अगर हम इधर का स्केल देखेंगे और इधर का स्केल, तो डिफरेंट रीडिंग्स आएंगे। यहां इन दोनों नंबर्स के बीच में जो अंतर है 212 माइनस 32, वो अंतर है 180। यहां 180 डिवीजन से छोटा 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 छोटा, और यहां 100 डिवीजन से, ये डिवीजन और ये डिवीजन बराबर नहीं है, ये छोटा है इस डिवीजन की तुलना, और यहां 100 डिवीजन है। अगर यहां पर का रीडिंग को टीसी कहें, टेम्परेचर ऑन द सेंटीग्रेड स्केल, और इस रीडिंग को टीएफ कहें, तो टीसी और टीएफ में क्या रिलेशन है, वो कन्वर्जन हमको चाहिए। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलना इज सेम एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोलना इज सेम एज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलना। उसी तरह से यहां पे अगर रीडिंग है मान लीजिए 40, तो इधर वाले स्केल में क्या दिखेगा रीडिंग, आई वॉन्ट दैट कन्वर्जन फैक्टर, रिलेशन बिटवीन टीसी एंड टीएफ। तो बड़ा सरल है, आपको खाली याद रखना है कि ये जो डिवीजन किया गया है ना, वो लीनियर है, इक्वल मात्रा में बांटा गया है, 100 इक्वल, इधर 180 बराबर बराबर। तो दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ इज टीसी माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 मस्ट इक्वल दिस लेंथ बट इट दिस लेंथ, विच इज टीएफ माइनस 32 बट इट 212 माइनस 32 180। बस इतना ही याद रखना है, आपको रिलेशन निकल गया बिटवीन टीसी एंड टीएफ, 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो टीसी बराबर कैंसिल आउट हो गया, 100 और 180, 20 से कैंसिल किए तो 5/9 टाइम्स इतना। यानी कि अगर हमको यहां पे रीडिंग दिख रहा है, सपोज कीजिए 72 एक नंबर, पूछे कि इधर वाले स्केल में क्या रीडिंग होगा, तो यहां डालिए 72 और टीसी कैलकुलेट कर लीजिए, 5/9 टाइम्स 72 माइनस 32, अब जो नंबर आएगा वो सेंटीग्रेड स्केल वाला नंबर आ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। यहां एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि अगर मान लीजिए कि हम किसी एक बॉडी के साथ इस थर्मामीटर को कॉन्टैक्ट में लगाए, ये बॉडी का कुछ टेम्परेचर दिखा इस स्केल, और ये बॉडी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो मरकरी भी राइज करने लगेगा, और थोड़ी देर बाद हमको दिखा कि इधर 5 डिविजन्स ऊपर चला गया मरकरी, तो हम पूछेंगे कि बताइए कितना टेम्परेचर में चेंज दिख रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। तो जो सेंटीग्रेड दुनिया वाला कोई वैज्ञानिक होगा, वो बोलेगा कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज दिख रहा है। लेकिन फ़ारेनहाइट दुनिया वाला जो आदमी होगा, उसके तरफ देखिएगा तो नंबर ऑफ डिविजन्स 5 नहीं होगा, ज्यादा होगा, तो वो कितना डिविजन्स होगा। अब देखिए इधर 100 डिविजन ऑफ सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वलेंट टू 180 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज का बात कर रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर, माने 100 डिविजन्स ऑन द सेंटीग्रेड स्केल इज इक्वल टू 180 डिविजन्स ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, 20 से बांट दें तो 5/9, यही अनुपात है, यही यहां लिखे हैं। आप अगर केवल डिफरेंशियल ले लीजिए दोनों तरफ, डेल्टा टीसी यानी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सेंटीग्रेड स्केल इक्वल टू चेंज ऑफ द आरएचएस, तो आरएचएस में चेंज इन दिस माइनस चेंज इन अ कांस्टेंट, कांस्टेंट में चेंज होता नहीं है, हम कैलकुलस इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, सो दिस इज द रिलेशन। यानी कि अगर हम कहें कि सेंटीग्रेड स्केल पे हमको दिख रहा है टेम्परेचर में चेंज हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बताइए कि फ़ारेनहाइट स्केल में यही टेम्परेचर चेंज कितना दिख रहा होगा, माने नंबर ऑफ डिविजन्स काउंट करना है। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करें डेल्टा टीएफ निकालने के लिए, 9/5 टाइम्स डेल्टा टीसी, तो ये 9/5 टाइम्स 10 विच इज 18, यानी कि फ़ारेनहाइट स्केल पे 18 डिग्री का चेंज दिखेगा, माने 18 डिविजन्स से मरकरी दिखेगा कि राइज कर गया है। ये दोनों स्केल बहुत अच्छा स्केल नहीं है, इट इज पुअर, क्योंकि 0 से भी तो लो टेम्परेचर होता है, जैसे पानी को बर्तन में रख करके ठंडा करना शुरू कर दीजिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बर्फ बन जाता है, उस टेम्परेचर को हम 0 कह रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट।
हम उससे भी तो बर्फ को ठंडा कर सकते हैं, उसका मॉलिक्यूल्स के जिगलिंग को और कम कर सकते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ है, इसके अंदर का मॉलिक्यूल्स जिगल कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी और कम कर सकते हैं हम। अगर इसको और भी ठंडा कोई वस्तु उससे कॉन्टैक्ट मिला, उसका जिगलिंग और कम हो सकता है, तब उसका टेम्परेचर क्या बोलेंगे? तब तो माइनस में बोलेंगे, कुछ -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ है, -6 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और ठंडा, जैसे जैसे ठंडा करते हैं ना, उसके मॉलिक्यूलर मोशन सब धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी कि इस टेम्परेचर स्केल या इस टेम्परेचर स्केल पे नेगेटिव टेम्परेचर भी है, और ये थर्मामीटर तो काम ही नहीं करेगा। इस थर्मामीटर से हम सिर्फ 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री आइस पॉइंट से लेकर स्टीम पॉइंट के बीच में कोई टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ गुड थर्मामीटर, यू नीड अ बेटर थर्मामीटर, दिस इज अ बेटर थर्मामीटर, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। एक सिलेंडर है, इसके अंदर मैटर है इन गैसीय स्टेट, कोई गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, मे बी एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, कोई गैस, और बगल में एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है सिलेंडर को, और उसमें कुछ मरकरी डाल दिया गया है। इस मरकरी कॉलम दोनों लिम्ब्स में जो हाइट डिफरेंस होगा उसको देख करके, और मरकरी का डेंसिटी अगर रो मालूम हो, तो हम तुरंत बता सकते हैं कि इस वक्त कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है गैस इनसाइड द कंटेनर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट कहें, तो इस पॉइंट पे प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच, जो कि इक्वल टू प्रेशर हियर, यानी गैस के प्रेशर को हम लोग मेजर कर सकते हैं जस्ट बाय मेजरिंग द डिफरेंस इन द मरकरी लेवल इन द टू लिम्स। अब इसको हम अगर गर्म करेंगे गैस को, तो ये मॉलिक्यूल सब का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा, मोमेंटम बढ़ जाएगा, सब और जोर जोर से धक्का मारना शुरू करेगा, यानी प्रेशर बढ़ेगा। यानी कि ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो तापमान पे निर्भर करता है। हियर प्रेशर इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ गैस, एनी प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर इज कॉल्ड अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। हम लोग इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे टू क्रिएट अवर न्यू थर्मोमीटर। एवरी थर्मोमीटर हैज टू बी डिजाइन ऑन सम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब ये थर्मोमीटर हम बनाने जा रहे हैं द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, यानी कंटेनर में गैस कन्फाइंड है, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। हम ऐसा कर सकते थे ना कि ये कंटेनर में एक तरफ पिस्टन रख देते, फ्री टू स्लाइड, और जब इसको गर्म करते तो मॉलिक्यूल सब धक्का मार करके पिस्टन को पुश कर देता और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस चेंज हो जाता। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस फिक्स्ड रहे, कांस्टेंट, यानी कि पिस्टन के बजाय एक फिक्स्ड वॉल्स वाला कंटेनर होगा। सो द वॉल्यूम विल बी फिक्स्ड, ओनली द प्रेशर विल चेंज एज द टेम्परेचर चेंजेस। तो जितना ज्यादा हम हॉट बॉडी से कॉन्टैक्ट में लाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा और आपको यहां दिख जाएगा प्रेशर। कोई गैस लिए एट लो प्रेशर, नॉट एट हाई प्रेशर। याद रहे कि अगर गैस को हाई प्रेशर में रख दीजिएगा, इसी में हम लोग और गैस मॉलिक्यूल्स ठूसना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे वो गैस अपना स्वभाव लिक्विड की तरफ जाने लगता है। तो यहां प्रेशर लो होना चाहिए, यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स का जो संख्या अंदर में है वो लार्ज नहीं होना चाहिए। लार्ज होगा तब तो फिर उनके बीच का इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग कम हो जाएगा और उसका व्यवहार लिक्विड की तरफ होने लग जाएगा। तो हम आइडियल गैस कंडीशंस में है ये गैस। आइडियल कंडीशंस का मतलब द प्रेशर शुड बी लो, माने पूर्णतः उसका व्यवहार एक गैस की तरह होना चाहिए। तो आइडियल गैस कंडीशंस का मतलब लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर्स, और इसको हम यूज करने वाले हैं
ऐसे थर्मामीटर, उसको कॉन्टैक्ट में लाएंगे, किसी भी वस्तु के साथ कॉन्टैक्ट में लाएंगे। जिस वस्तु का हमको टेम्परेचर मेजर करना है उसको हम इस सिलेंडर के साथ कॉन्टैक्ट में लाएंगे, हीट एक्सचेंज होने देंगे, इक्विलिब्रियम आएगा, इधर मरकरी कॉलम राइज कर रहा होगा या फॉल कर रहा होगा, डिपेंडिंग कि इसके तुलना में ये हॉटर था कि कोल्डर था। पहले हम करेंगे क्या कि इसको हम एक आइस और वाटर का जो इक्विलिब्रियम स्टेट है एक बर्तन में, उससे कॉन्टैक्ट में लाएंगे और देखेंगे कि ये किस हाइट तक मरकरी कॉलम राइज करता है। मे बी यहां तक थोड़ा सा अंतर हम यहां मार्क कर देंगे, स्केल बना करके, शीशा का ये ट्यूब है उस पर स्केल बना देंगे, जीरो मार्क कर देंगे। फिर इसको हम पानी और स्टीम इक्विलिब्रियम है उस बर्तन के साथ कॉन्टैक्ट में लाएंगे। अब इक्विलिब्रियम के बाद ये हाइट डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और अब वहां मार्क कर देंगे 100। अब ये मेरा थर्मामीटर तैयार हो गया, अब यहां पे इक्वल डिविजन 100 बांट देंगे, नाउ द थर्मामीटर इज रेडी। अब किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो इसे कॉन्टैक्ट में लाइए, अब मरकरी कॉलम देखिए किस हाइट तक राइज किया और टेम्परेचर वहां दिख गया। एक्सपेरिमेंट किया गया, हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को मेजर कर रहे हैं। आप तो मेजर कर सकते हैं ना, प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं और टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, टू नंबर्स और एक ग्राफ बनाए हम लोग। ये थर्मामीटर बहुत सुंदर है, इधर हम लोग प्रेशर को प्लॉट कर रहे हैं और इधर टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। एक आइडियल गैस के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखे हैं, केवल देखना चाहते हैं कि प्रेशर का तापमान के साथ क्या संबंध है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखे, कुछ प्रेशर मेजर किए, प्लॉट कर लिए, फिर टेम्परेचर बढ़ाए, गर्म किए गैस को, हर बार टेम्परेचर अब हम मेजर कर सकते हैं और प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं। और इस तरह से T1, P1, T2, P2 100 डिग्री टेम्परेचर प्रेशर मेजर कर लिए। इन सब डॉट्स को जब ज्वाइन किए तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आया। देखिए जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वो एक रेंज में ही करेंगे, सम नेगेटिव टेम्परेचर से लेकर के सम हाई टेम्परेचर, क्योंकि उस नेगेटिव टेम्परेचर से भी लेसर टेम्परेचर पे जब जाइएगा तो इसका मॉलिक्यूल सब गैस की तरह व्यवहार करना बंद कर देगा। इस कंटेनर में गैस को रिप्लेस कर दिए, दूसरा कोई गैस डाल दिए, एनी गैस एट लो प्रेशर, कभी हीलियम डाले, कभी नाइट्रोजन डाले, कभी ऑक्सीजन डाले, कभी एयर डाल दिए, कभी कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिए, लो प्रेशर, बहुत मात्रा में नहीं ठोसना है। हम लोग को आइडियल गैस सिचुएशन मेंटेन रखना है। अब उसके साथ एक्सपेरिमेंट की तो दूसरा कोई गैस भरे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, कुछ और प्रेशर एग्जर्ट किया, वो सम प्रेशर, फिर टेम्परेचर बढ़ाते गए, प्रेशर्स को मेजर करते गए, जब ग्राफ बनाए तो हम पाए कि टेम्परेचर और प्रेशर में एक लीनियर रिलेशन आया, कुछ इस तरह का, प्रेशर इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टाइप का, वेर ए इज द स्लोप एंड बी इज द वाई इंटरसेप्ट, ऐसा रिलेशन आया लीनियर। तीसरे गैस के साथ एक्सपेरिमेंट किए, वो भी कुछ ऐसा ही आया, बट द बेस्ट पार्ट वॉज दिस कि उन सब स्ट्रेट लाइंस को जब हम एक्सट्रापोलेट किए, पीछे की तरफ खींचे, ये सब मेरा वो रेंज ऑफ टेम्परेचर्स नहीं है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, लेकिन जब हम इनको पीछे खींचे तो बहुत इंटरेस्टिंग बात एक पाए कि सारा का सारा स्ट्रेट लाइंस कॉन्करेंट था और एक्स एक्सिस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा था -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जैसे जैसे इसका तापमान कम करेंगे इनका मॉलिक्यूलर मोशन घटने लगता है, काइनेटिक एनर्जी घटने लगता है, घटते, जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे प्रेशर कम एग्जर्ट करेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आई डिडंट से कि ऐसा होगा, क्योंकि हम लोग उस टेम्परेचर तक तो एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं पाए, गैस लिक्विड हो जाता है, अब आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, अब वो प्रेशर एग्जैक्ट ही नहीं करेगा, जबकि जिगलिंग है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस टेम्परेचर पे आते आते
ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, ऐसा प्रतीत हो रहा है ऑल मॉलिक्यूलर मोशन विल सीज. दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जिस पे हम किसी भी बॉडी को कूल कर सकते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है. हम लोग क्यों नहीं उसी टेम्परेचर को जीरो चुन लें. केल्विन अनदर फिजिसिस्ट हु गेव दिस ब्यूटीफुल सजेशन कि जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है उसी को हम लोग जीरो चुन लें और तब उस स्केल को कहेंगे हम लोग द केल्विन स्केल. अब उस स्केल में देखिए जो आइस पॉइंट है वो अब 273.15 हो जाएगा, अपने हम जीरो को शिफ्ट कर दिए, और जो स्टीम पॉइंट है वो 373.15 हो जाएगा. यानी इस नए स्केल में जिसको केल्विन स्केल बोलते हैं, क्या क्या नोटिस करने वाला बात है. पहला कि कोई नेगेटिव टेम्परेचर नहीं है. हम किसी भी वस्तु का कहेंगे कि टेम्परेचर बताइए, तो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में अगर बताते या हम फ़ारेनहाइट स्केल में बताते तो हम इसका तापमान हो सकता है कि एक नेगेटिव नंबर बोलते, -70, -80, -150, -180, -273 बोलते. लेकिन केल्विन स्केल में जब इसका टेम्परेचर बताएंगे तो हमेशा एक नॉन नेगेटिव नंबर रिटर्न करेंगे आप. इसीलिए इस स्केल को कहा गया द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल. याद है आप ये जो फंक्शन था ना मॉड फंक्शन, इसको एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, उस नंबर का मैग्नीट्यूड जो कि हमेशा एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है. इसीलिए इस टेम्परेचर स्केल को कहा गया द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल. इट ओनली हैज नॉन नेगेटिव टेम्परेचर्स. अब हम लोग को इसी टेम्परेचर स्केल से मतलब है, यानी अब इस स्केल का हम यूज करते तब ग्राफ बनाते तो कैसा बनता देखिए. अब पीटी, अब प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का एक्सपेरिमेंट करते, इस स्केल को उठा करके हम यहां रख दिए, तो अब प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन सिर्फ ऐसा होता, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. अब यहां टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में नंबर नहीं है, यानी कि अब गैस का हम प्रेशर P1 इज एटमोस्फियर या पास्कल, और टेम्परेचर T1 अब कहेंगे तो इन केल्विन, सम नंबर इन केल्विन, P2, T2, P3, T3. अब हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि P1 by T1 का वैल्यू विल बी इक्वल टू P2 by T2 विल बी इक्वल टू P3 by T3. पहले नहीं बोल पाते हम. अगर हम यहां पे नंबर्स होता सेंटीग्रेड स्केल का नंबर, तब हम प्रेशर और टेम्परेचर में ये रिलेशन नहीं बोल पाते. तब P-B इक्वल टू 80, यानी P1 माइनस सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय T1 विल बी इक्वल टू P2 माइनस दैट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय T2, ऐसा बोल पाते. लेकिन अब हम लोग ऐसा बोल पाएंगे. अब आज के बाद जब भी हम टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी का बात करेंगे या टेम्परेचर ऑफ गैस, तो हमेशा इट इज केल्विन स्केल दैट वी आर गोइंग टू फॉलो. और कई बार ना सवाल में आपको टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी दिया रहता है इन डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में तो नहीं देते हैं लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में काफी कॉमनली यूज्ड है इंडिया में. आपको लेकिन उसको कन्वर्ट करना होगा केल्विन में. डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन डिग्री केल्विन नहीं, केल्विन बोलते हैं इस नए टेम्परेचर के यूनिट को. अब कन्वर्जन फैक्टर यहां ये है TK बराबर TC प्लस 273.15. माने अगर कभी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो और केल्विन में कन्वर्ट करना हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोले तो केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, 100 में ऐड कर दीजिए 273.15. अगर हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड किसी बॉडी का टेम्परेचर बताते हैं तो केल्विन में वो कितना हो जाएगा, यू ओनली हैव टू ऐड 273.15. 313.15 केल्विन बोलेंगे. ये और ये दोनों एक ही बात बोल रहे हैं. हाँ, यहां एक इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर यहीं पे केल्विन स्केल बना दें तो यहां पे हम आइस पॉइंट लिखेंगे 273.15 और स्टीम पॉइंट को लिखेंगे 373.15. उसमें भी 100 डिविजन्स का अंतर है. सेंटीग्रेड स्केल में भी 100 डिविजन्स का अंतर है. यानी चेंज इन टेम्परेचर जब पूछेंगे किसी बॉडी का
केल्विन में पूछें या सेंटीग्रेड स्केल में पूछें, वो आंसर सेम होगा। अगर कहें कि अभी कमरे का तापमान 2 डिग्री से बढ़ गया है, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया है कि 2 केल्विन से बढ़ गया है चेंज इन टेम्परेचर, बोथ आर करेक्ट आंसर्स। 2 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ना बोलिए या 2 केल्विन से बढ़ना बोलिए, बोथ मीन द सेम। हाँ, लेकिन फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा तो ये आंसर नहीं होगा, फ़ारेनहाइट में इससे बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि फ़ारेनहाइट का डिविजन्स छोटा है, ज्यादा डिविजन्स दिखेगा आपको। चेंज इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल बताना होगा तो 9/5 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, यानी कि 18/5, 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज हुआ है तापमान में, ऐसा बोलेगा। खैर, हम लोग को इसी से मतलब है, सारा सवाल में हम तापमान सेंटीग्रेड में देंगे, आपको केल्विन में कन्वर्ट करके यूज करना होगा फॉर्मूला। चलिए, छोटा छोटा हम लोग 2-3 सवाल बना लेते हैं। यहां लिखे हैं, एट व्हाट टेम्परेचर दिस डिग्री सेंटीग्रेड स्केल एंड द डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल विल रीड सेम। कोई एक जो स्केल है ना, इसमें माइनस भी है नीचे और इधर भी, घटते घटते कहीं एक जीरो आएगा और फिर माइनस भी होगा, तो कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जो कि इस स्केल में और इस स्केल में सेम रीडिंग आता है, सेम नंबर, वो कौन सा नंबर है बताना है। जैसे इस टेम्परेचर पे कोई एक टेम्परेचर स्टेट है ये, जब मरकरी जब यहां तक राइज किया हुआ दिखता है तो कोई एक टेम्परेचर स्टेट है। अच्छा, एक बात याद रखना है कि कोई भी थर्मामीटर जो है वो किसका टेम्परेचर बताता है। अगर मान लीजिए कि हम एक थर्मामीटर को किसी बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाए और यहां रीडिंग हमको दिखा 80 डिग्री सेंटीग्रेड, आप किसका टेम्परेचर बता रहे हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड। वो क्लियर होना जरूरी है कि वो इसी थर्मामीटर का टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, ये अलग बात है कि अगर वो इसके साथ इक्विलिब्रियम में है तो हम निष्कर्ष निकाल लेंगे कि उस बॉडी का टेम्परेचर भी 80 है डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मामीटर किसका टेम्परेचर रीड करता है, तो द आंसर इज इट ऑलवेज रीड्स इट्स ओन टेम्परेचर। तो हम वो टेम्परेचर खोजना है, सम टेम्परेचर टी, जो इधर से देखें तो वही रीडिंग दिखे, इधर से भी वही, तो हमको इसी इक्वेशन में डालना है T/100 = T-32/180, और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर जो नंबर टी आएगा वही है मेरा रिक्वायर्ड नंबर। सॉल्व करते हैं, 180 से मल्टीप्लाई कर दिए, 9/5T = T-32, 9/5T - T = 4/5T = -32, टी बराबर 4 से कट के -8 × 5 - 40। अब -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को अगर आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। इस दूसरे सवाल को देखिए, यह है कि अगर हम कोई एक मरकरी बल्ब थर्मामीटर बनाए हैं, उस पर आइस पॉइंट को हम आर्बिट्रेरली चूज कर लिए हैं एज नंबर 10 और स्टीम पॉइंट को चूज कर लिए हैं एज 80। अब इस थर्मामीटर का रीडिंग अगर 59 शो कर रहा है, उस स्केल में 59 किसी बॉडी का टेम्परेचर, तो उसको जरा डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में कन्वर्ट करके बताइए कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ। डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में द नंबर्स आर 0 and 100 और इस स्केल में द नंबर्स हैव बीन चोजन एज 10 and 80। यहां 70 इक्वल डिविजन्स में बांटा गया होगा। अब मरकरी इस लेवल तक राइज किया है, मान लीजिए इस लेवल तक, इधर 59 शो कर रहा है तो इधर कौन नंबर शो करेगा सेंटीग्रेड स्केल में, यही बताना है। यही मैकेनिज्म को खाली फॉलो करना है, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस,
59 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 80 माइनस 10 को आप इक्वेट करेंगे विथ t माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0, अब आपको जो t का वैल्यू आएगा वही होगा टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, इक्वल टू ये हो गया 49 बाई 70 इंटू 100, ये 7 से कैंसिल आउट हो गया और आंसर आ गया 70, यानी इधर का जो रीडिंग होगा वो 70 दिखेगा डिग्री सेंटीग्रेड के। चलिए आज के लिए समाप्त, हम लोग एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को आज डिफाइन कर दिए।